नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की छोटी बहन रिया कपूर अपने खास अंदाज के लिए फैंस के बीच हमेशा छाई रहती हैं। रिया एक्टिंग की दुनिया से भले ही दूर हों, लेकिन वे प्रोडक्शन में ज़रूर धमाल कर रही हैं। सोनम कपूर की छोटी बहन रिया कपूर अब अपने बॉयफ्रेंड करण बुलानी के साथ शादी के बंधन में भी बंधने जा रही हैं। रिया कपूर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और खुद से जुड़े पोस्ट को शेयर भी करती रहती हैं। रिया फिल्म प्रोड्यूसर हैं और अपना फैशन ब्रांड भी चलाती हैं। रिया अक्सर करण के साथ की रोमांटिक फोटोज भी शेयर करती रहती हैं। ऐसे हम आज आपको करण और रिया की लव स्टोरी से रूबरू कराएंगे। तो रिया का नाम पिछले लंबे समय से करण बुलानी के साथ जोड़कर देखा गया है। भले ही दोनों ने अपने रिश्ते को कभी छुपाया ना हो, लेकिन इन्होंने कभी ऑफिशियली अपने रिश्ते को एक्सेप्ट भी नहीं किया। दोनों एक लंबे समय से एक दूसरे को डेट ज़रूर कर रहे थे। ऐसे अक्सर सोशल मीडिया पर साथ में तस्वीरें शेयर करते रहते थे और खुलकर एक दूसरे के लिए अपना प्यार का इजहार भी करते रहते थे। आपको बता दें कि रिया की पहली मुलाकात करण से 2010 में आई फिल्म आयशा के सेट में हुई थी। इस फिल्म में सोनम कपूर और अभय देओल लीड रोल में नजर आए थे। खास बात यह है कि इस फिल्म को रिया कपूर ने प्रोड्यूस किया था और करण इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। इसी फिल्म के दौरान दोनों की दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोस्तों, खुद सोनम कपूर ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि रिया करण बुलानी को डेट कर रही हैं। फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि प्रमोशन के दौरान इंटरव्यू में सोनम ने कहा था कि एक दूसरे को वो पिछले 10 साल से डेट कर रहे हैं। जब वो शादी करेंगे उसकी जानकारी भी दे दी जाएगी, ये उनकी मर्जी है। खास बात यह है कि 2013 में खबर आई थी कि रिया और करण शादी करने वाले हैं। ये वो वक्त था जब सोनम कपूर की शादी नहीं हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करण के पेरेंट्स खासतौर पर कपूर फैमिली से मिलने दिल्ली भी पहुंचे थे, दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। इतना ही नहीं, दिसंबर 2013 में ही दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से ये शादी उस समय नहीं हो पाई। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।